नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जेश पर। दोस्तों आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे कि सर अभी तुरंत एस्टेट का फॉर्म भरना खत्म हुआ और 4 तारीख को एग्जाम है, तो इतनी कम समय में कैसे हम तैयारी करें। 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एग्जाम का डेट है, कभी भी आपकी एग्जाम पड़ सकती है। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम हो गए किस डेट को आपकी एग्जाम होगी। एग्जाम तो तय है कि 4 से 15 के बीच ही होगी। और सबसे पहले आप जान लें कि एग्जाम आपकी ऑनलाइन मोड में होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चूंकि बीपीएससी सुपर टेट के भी एग्जाम हुई है या ऑफलाइन एग्जाम हुई थी, ऐसे भी जो एग्जाम होती है टीचर का तो ऑफलाइन एग्जाम ही होती थी, तो बच्चों का ये प्रैक्टिस ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने का था नहीं, तो एकाएक ये अब उनको ऑनलाइन एग्जाम देनी होगी, तो बहुत तरह संकोच होगा। तो सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए और जो सिलेबस की तैयारी चाहिए आपको, वो तैयारी अब तक आप जो कर चुके हैं वो आपके लिए सफिशियंट थी है और रहेगी भी। बस उसी में क्या करनी है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा, जहां भी पढ़ा, उसको बेहतर तरीके से रिविजन करने का प्रयास करें। अभी कक्षा 9th और 10th की एग्जाम जो आपकी होगी, उसके लिए आप जो बीपीएससी सुपर टेट के 9th 10th की तैयारी करते थे, उसकी जो सिलेबस थी, बिहार गवर्नमेंट की बुक का जो अध्ययन आप करते थे, अभी जो एग्जाम हुई है आपने देखा कि एग्जाम में उस स्तर के भी सवाल पूछे गए जिस स्तर के आपके एग्जाम थे। कुछ सवाल थोड़ा मॉडरेट तरीका के का भी था, जैसे कि बच्चों को यह भी लगा कि बहुत टफ पूछी गई, लेकिन मैंने अपने चैनल के माध्यम से जितनी भी मैराथन का क्लास लिया है, लगभग 80 से 90% सवाल हैं। आपको प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने वीडियो है, आपके सामने पीडीएफ है, आपके सामने क्वेश्चन है, आप उसको निकालकर मिलाएंगे तो मैक्सिमम आपको हुबहू उस पीडीएफ से, उस कॉपी से, उस वीडियो से आपको मिलेगा। अभी समय चूंकि बहुत कम है और इतने कम समय में बहुत कुछ किया भी नहीं जा सकता है, तो अब आपके लिए क्या है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ बिना किसी चैनल का, बिना किसी नोट का, बिना किसी पीडीएफ पर दिमाग लगाए हुए, आपके पास जो नोट है, आपने जो अब तक पढ़ा है, सिर्फ उसका मैक्सिमम रिवीजन करके आप अपने एग्जाम को दे लीजिए। बाकी आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है, उसकी सहायता से आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे बच्चे देते हैं, ऑनलाइन एग्जाम कैसे कंडक्ट होती है, उस ऑनलाइन एग्जाम को अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप पे आप जरूर दें, या नजदीकी कोई एग्जाम सेंटर है, कोई कोचिंग्स है जहां पर ऑनलाइन आपको टेस्ट करवाते होंगे, आप लोग वहां पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं। पहले दूसरी बात ये, बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्लास 6 to 8 के लिए कब वैकेंसी होगी, 11th 12th के लिए क्या होगा, उसकी वैकेंसी कब होगी। तो क्लास 6 to 8 की जो वैकेंसी आपकी होगी, वो वैकेंसी बहुत जल्द, हमको लगता है नवंबर दिसंबर के आसपास जो है वो आपका 6 to 8 के लिए अलॉट ऑफ वैकेंसी आ रही है, लाखों की संख्या में सीटें होंगी। और 11th 12th के लिए बहुत जल्द, जैसे ही स्टेट का एग्जाम अभी 9th 10th वाली आपका खत्म होगा, जस्ट इसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर जो है 11th 12th के लिए स्पेशल वैकेंसी आएगी। इसलिए किसी भी बच्चे को इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग जो पढ़े हैं उसका बढ़िया से रिविजन कीजिए, अच्छे तरीके से अपना मतलब ये एग्जाम की तैयारी, एग्जाम की रिविजन जो है सिर्फ अच्छे तरीके से करते रहिए, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। हमारी यूट्यूब की क्लास पिछले 2-3 दिन से लगातार डिस्टर्ब चल रही है, इधर हम पैदल यात्रा से देवघर गए, वहां से लौट कर आए, थोड़ी तबियत अस्वस्थ लग रही है, इस वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, और उम्मीद है इस वीक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मेरी रहेगी। कल रक्षाबंधन भी है और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर परसों उधर से लौटेंगे, तो फिर 1-2 दिन थोड़ा सा आपकी क्लास ऑनलाइन का डिस्टर्ब रहेगी, यूट्यूब का भी और एप्स का भी, लेकिन मंडे से इन सोमवार से आपकी विधिवत एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्या है, उसका डिस्कशन लेकर हम पे यूट्यूब पे निर्धारित समय से 8:15 बजे लाइव जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।